सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हे गाइस, मेघा हियर, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हैं जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी के रसगुल्ले की रेसिपी। इसे घर में बनाना बहुत आसान है और छेने के रसगुल्ले की तरह ये भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने सूजी ली हुई है 2 बाउल के करीब करीब। चीनी हम लेंगे 1.5 बाउल। देन थोड़ा सा वाटर हमें चाहिए, करीब करीब 1 से 1.5 बाउल। 3 इलायची मैंने ली है। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से, 1/2 बाउल के करीब। घी हमें चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून। मिल्क चाहिए 4 बाउल के करीब। यहाँ पर एक बर्तन में मैं मिल्क डाल दूंगी। पहले गैस एकदम मीडियम फ्लेम पर रखिए। 4 बाउल में मिल्क डाल रही हूँ, ये देखिए। फिर मिल्क जैसे हमारा पक रहा है, गर्म हो रहा है, जब तक हम दूसरे बर्तन में 2 बाउल के करीब करीब वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद 1 बाउल चीनी डाल दीजिए। यहाँ हम चाशनी रेडी कर रहे हैं। 3 इलायची मैंने ओपन करके डाल दी है और इसे हाई फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसकी चाशनी बनाना है। इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी हमें, रसगुल्ले के लिए थोड़ी पतली चाशनी होती है। फिर यहाँ पर देखिए, मिल्क गर्म हो गया है, मैं इसमें घी डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब करीब। फिर पीसी हुई चीनी 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। फिर सूजी डालना शुरू करिए। 2 बाउल सूजी में डालना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके, ताकि इसमें गांठें ना पड़े। अब इसे मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके इसे कुक होने तक पकाइए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, यहाँ पे कुक हो चुका है। अब इसे मैं ठंडा करने रख दूंगी 10 से 15 मिनट बाद। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे 1 टेबल स्पून घी डाल के, घी के साथ इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ऐसे ही रफली हमें मिक्स करना है इसे, ताकि इसमें एक चिकनाई सी आ जाए। यहाँ पर देखिए, मैंने घी इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े लेकर के रसगुल्ले बनाऊंगी। पहले हाथ को ग्रीस कर लीजिए घी से। फिर हम इसमें सूजी लेंगे हाथ में थोड़ा सा, इस तरह पेड़ा बना के इसे चपटा किया मैंने। और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए अंदर। ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर फिल करना है और इसे पूरी चारों तरफ से कवर कर दीजिए इस तरह से। फर्स्ट बार अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत अच्छे से बन जाती है, देखिए इस तरीके से। और फिर इसे सारे बना लीजिए। यहाँ चाशनी वाली बनके रेडी हो चुकी है। इसे वापस से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है गैस का। अब इसमें हम रसगुल्ले डालेंगे। 4-5 रसगुल्ले एक साथ आप डाल सकते हैं। और इसे ढक्कन ढक करके हम 5-7 मिनटों के लिए बॉईल करेंगे चाशनी के साथ। देखिए, 5-7 मिनटों बाद जैसे ये बॉईल होना शुरू हो गया, रसगुल्ले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे ठंडा कीजिए और सर्व कीजिए ड्राई फ्रूट से गार्निश करके। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।